दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएसयू बैच दिल्ली के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं तारिक अंसारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस में। कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूँ पीएसयू बैच कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या है पूरा तरीका, पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड इस वीडियो को देखने बाद आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को जैसे लाइक एंड साथ साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आप भी पीएसयू बैच बनवाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों तो सबसे पहला स्टेप मैं बता दूं आपको, सबसे पहला स्टेप होता है इसका एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल होगा मैं आपको अभी बता देता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और टाइप करना है parivahan.gov.in। ये जो है परिवहन की यानी कि ट्रैफिक की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर हम जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं parivahan.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। इस वेबसाइट पर ओपन होने का इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है ऑनलाइन सर्विसेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे ही आप इस पे माउस लेकर आएंगे, कर्सर लेकर आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपको आ जाना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर जो है आपको आपका राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो भी राज्य हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। राज्य सेलेक्ट करने का ऑटोमेटिक ये पेज खुल जाएगा और इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने का दोस्तों यहाँ पर जो है आपको आ जाना है डीएल सर्विसेज वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएल सर्विसेज रिप्लेस ऑफ डीएल एंड अदर, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विस जो भी होगी वो आप इसी ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने का दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विस जितनी भी सर्विसेज होती हैं यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी कर सकते हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेना और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यानी कि जन्म तिथि डाल देनी है, और गेट डिटेल्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम गेट डिटेल्स ओपन पे क्लिक करते हैं, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिक आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। फोटो, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर अगला सवाल रहेगा, सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कंफर्म डेट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइन, और यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर देना सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे और येस पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड शो होगा और चेंज करने का ऑप्शन के लिए यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है नीचे की तरफ आके। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, फिर से पूरे ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर शो होगा। मोबाइल नंबर जो है आप आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जो है आपको ब्लड ग्रुप का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी ब्लड ग्रुप की। अगर आपको नहीं पता तो अननोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर जो है आपको आपका मोबाइल नंबर शो होगा अगर ऑलरेडी डला है तो, और यहाँ पर आप कोई दूसरा ही मोबाइल टाइप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है इसे हटाकर। तो यहाँ पर मैं यही वाला मोबाइल नंबर रहने दे रहा हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी टाइप करके चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का दोस्तों आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा, उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपके सामने खुल गए। हमें जो है इशू ऑफ पीएसयू बैच वाला ऑप्शन पीएसयू बैच बनाना है, तो उस पर क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंफर्म कर देंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा लाइसेंस एलएमवी होगा, जो भी जिस भी तरीके का होगा वो शो होगा, तो आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे फिर यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको कंफर्म
पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आपके सामने नीचे की तरफ ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर जो है दो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो दोनों के अंदर आप यस और नो ध्यान से देखेंगे तो सबसे वाले ऊपर के अंदर यस कर देना है, नीचे वाले में अगर आप जैसे कि एक्सीडेंटल केस में ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं सामने की तरफ, वैसी सेम टू सेम इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पॉपअप ओपन होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करके रख लेंगे और इसे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी चीज लिखी आ जाएगी, रिफ्रेशर कोर्स एड्रेस प्रूफ मेडिकल सर्टिफिकेट और प्रिंट एम कौन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट आपको ये दो पेज का प्रिंट आउट ध्यान से ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर एम कौन वाले ऑप्शन पे प्रिंट पे क्लिक करके दोनों पेजों का प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट लेने के बाद वापस से आप जो है उसी होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन है प्रिंट एम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A है, एड्रेस प्रूफ चाहिए प्रेजेंट जहाँ पे अभी करंट में रह रहे हैं और रिफ्रेशर कोर्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें तीन स्टेप में पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट छोड़ देना है और यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन को यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर हमें एक मेडिकल फॉर्म भी प्रिंट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट फॉर्म 1A, तो इस पे प्रिंट फॉर्म 1A वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये और एक मेडिकल फॉर्म होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट है, इसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे और जब आप कोर्स करने जाएंगे तो यहाँ पर जो है इस पे अटेस्ट करवा लेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, हमने ये फॉर्म आधा अभी फिल किया है, यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों और जो मैंने प्रिंट करने को कहा था आपको मेडिकल फॉर्म ए वाला 1A वाला ये आपको प्रिंट आउट ले लेना है और एम कॉम वाला जो है प्रिंट दो पेज वो प्रिंट ले लेना है आपको, है ना। उसके बाद आपके IDTR नियर बाय IDTR सेंटर जाना, IDTR सरायकेला बुराड़ी और भी एक जगह है तो आप सर्च कर लेंगे आपके नियर बाय कौन सा IDTR पड़ता है, यानी कि आपके एरिया का कौन सा IDTR RTO ऑफिस पड़ता है, वहां पर आप जाएंगे फॉर्म लेके और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके और अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना ना भूले। देन फिर उसके बाद वहां पर आपको वहां पर जाकर पता करना है PHP बैच की क्लास लगाने के लिए। दोस्तों जो रिफ्रेशर कोर्स अपलोड करना होता है उसके लिए आपको IDTR जाकर पहले फीस कटानी पड़ती है, उसके बाद क्लास लगती है। तो जब आप वहां जाएंगे और बोलेंगे हमें PHP बैच की क्लास लगानी है तो वहां पर ₹472 की डेबिट कार्ड से पेमेंट होगी और इस तरह की रिसिप्ट आपको वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह की रिसिप्ट मिलने के बाद आपका नंबर वहां पर ऐड हो जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। आपके पास एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है ताकि आप ऑनलाइन क्लास लगा सके। तो दोस्तों आपके व्हाट्सएप पे अगले दिन जो है लिंक आ जाएगी, गूगल मीट की लिंक आ जाएगी, यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपको उस पर ऑनलाइन क्लास लगानी है। और सेकेंड डे आपका दो दिन की क्लास होती है, दो दिन की क्लास में टेस्ट होता है। टेस्ट में क्लियर होने के बाद जब आप क्लियर हो जाते हैं तो अगले दिन जाकर आप वहां से सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों जब आप सर्टिफिकेट लेने जाएंगे वहां पर तो साथ साथ आप जो है अपने मेडिकल फॉर्म जो है वो भी वहां से अटेस्ट करवाकर लेकर आए। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सेकंड स्टेप, हमारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप होता है जो हमने स्टार्टिंग में आधा फॉर्म भरा था तो उसे कंप्लीट करना, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फीस पेमेंट करनी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और फीस पेमेंट होगी। अब दोस्तों हम थर्ड स्टेप की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर जो है फिर से हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। इस बार हम ब्राउजर करेंगे मोजिला फायरफॉक्स और परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपने स्टार्टिंग में देखा होगा हमने आधा फॉर्म भरा था फर्स्ट स्टेप तक, अब सेकेंड और थर्ड स्टेप यहाँ पे हम कम्प्लीट करेंगे। तो दोबारा से परिवहन की वेबसाइट खोल लेनी है आपको, parivahan.gov.in। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आपको माउस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। तो राज्य को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर काफी सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर RTO सर्विस नहीं जाना होता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने का, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें स्टार्टिंग में ही हमें एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, और डेट ऑफ बर्थ आप उस एप्लीकेशन फॉर्म पे भी देख सकते हैं एमकॉम वाले पे, और अपने आईडी प्रूफ में भी देख सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस में भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड से फिल करके सबमिट कर देना है। तो चलिए हम फिल करके सबमिट कर देते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों हम इस पेज पर आ जाएंगे दोबारा से, जहाँ तक हमने इसे छोड़ दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज फेसलेस सर्विस, हमें RTO जाने की जरूरत नहीं होती इसकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो रखा था। अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन हमें कंप्लीट कर लेना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए हमें सर्टिफिकेट और मेडिकल फॉर्म की जरूरत थी। मेडिकल का फॉर्म हमने प्रिंट आउट लेके और सर्टिफिकेट क्लास लगा के हमने कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन होएगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर यस कर देना है। यस करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर पेज जो है हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू शुड अपलोड सेल्फ साइन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं ना उस पर साइन करके ही अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और जो फाइल साइज होना चाहिए वो है JPEG, JPG, PDF फॉर्मेट में, और मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB तक का अलाउड है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है हमें एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है अपलोड करेंगे एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी, आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ और सारे के सारे लिस्ट है जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं। हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है। आधार कार्ड को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नंबर है इसमें आप डॉक्यूमेंट नंबर में टाइप नहीं कर पाएंगे, आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। इशूड बाय में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देना है, और यहाँ पर डेट के अंदर आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस दिन आपका आधार जनरेट हुआ 2013 के बाद का जो भी डेट होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपका आधार जनरेट हुआ होगा। अगर आधार कार्ड पर डेट लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई सा भी डेट इसमें डाल दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालने का ऑप्शन है, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्राउज वाला फाइल, यहाँ पर हमें फाइल अपलोड करना है आधार कार्ड का। आधार कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड की फ्रंट बैक की दोनों की फोटोकॉपी एक ही पेज पे करके उसके बीच में साइन करके फिर स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पॉपअप ओपन होएगा, आपको क्लिक ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन फिर भी आते हैं, व्यू और कंफर्म। व्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके एक बार जरूर देख लेना हमने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वही अपलोड हुआ है नहीं। जैसे व्यू करेंगे आप डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो व्यू करेंगे वैसे डाउनलोड हो जाएगा। उस पर ओपन करके आप एक बार डाउनलोड वाली फाइल में जाके देख सकते हैं कि कौन सा फाइल जो है हमने अपलोड किया है, सही से एक बार चेक कर लेंगे साइन वाइन सही से हुए हैं नहीं हुए हैं। उसके बाद से दोबारा से आप उसी होम पेज पर आ जाएंगे और व्यू करने के बाद आप कंफर्म कर देंगे। जैसे आप कंफर्म कर देंगे ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा, और इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, अब हमारे पास दो डॉक्यूमेंट रह गए। तो फिर से हम डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन की तरफ आएंगे। इस बार जो है हमें मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट में यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A अटेस्टेड बाय MBS डॉक्टर। डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर आप जो है वहां पर इस डॉक्यूमेंट नंबर में आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, डॉक्टर का जो है स्टैम्प पे लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल देंगे। उसके बाद इशूड बाय में डॉक्टर का नाम डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डेट ऑफ इशू के अंदर जिस दिन स्टैम्प लगवाई थी आपने वो डेट डाल देंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर में स्टैम्प के ऊपर मोबाइल नंबर होता है वो फिल कर देंगे, डॉक्टर का मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। और उसके बाद फिर ब्राउज वाले ऑप्शन के अंदर जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा होगा साइन करके आपके जो डॉग, यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला था इसलिए अपलोड का ऑप्शन नहीं आया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है डॉक्टर का, जो भी स्टैम्प पर लिखा हुआ होगा हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट पे, और फिर ब्राउज करके जो डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है फिर हम अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी जिस पर्सन का मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके सिग्नेचर होने जरूर चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही अपने अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने फोन नंबर डाल दिया, फोन नंबर डालने के बाद ब्राउज करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके
फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर एक बार व्यू करके जरूर से देख लेना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हुआ है। व्यू जो है हमारी डाउनलोड वाली फाइल में आ जाएगा और वहां से व्यू करके एक बार चेक कर लेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हमें तीसरा जो डॉक्यूमेंट है रिफ्रेशर कोर्स यही जो 2 दिन के IDTR से ऑनलाइन क्लास लगी थी जिसकी 472 की फीस कटी थी, उसका सर्टिफिकेट वहीं से मिल जाता है। तो ये रिफ्रेशर कोर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रूफ में भी, और डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर सर्टिफिकेट का नंबर जो होता है सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है वो लिख देंगे। उसके बाद इशूड बाय में IDTR का नाम डाल देंगे, जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है सबसे ऊपर ही लिखा रहता है। उसके बाद आपको डेट डाल देनी है, तो जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा डेट लिखी होगी आपके पास। उसके बाद ब्राउज पे जाना है जहाँ भी आपने स्कैन करके उसको सर्टिफिकेट कर रखा होगा, सर्टिफिकेट पे भी आपके सिग्नेचर होने चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने व्यू और कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ओके पे क्लिक कर देंगे व्यू कर, और एक बार व्यू करके जरूर देख लेंगे। जैसे आप व्यू करेंगे डाउनलोड वाली फाइल में आपकी फाइल जो भी आपने अपलोड की है वो आ जाएगी। उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने का दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर जो अभी लाइन दिखा रही है ये 2 ही अपलोड दिखा रही है, तीसरा जो है नहीं दिखा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने का दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 2 स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस ऑन DL और डॉक्यूमेंट अपलोड 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक और फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया टू बी डन बाय एप्लीकेंट, तो हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और प्रोसीड पे क्लिक करने का यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट दिखा रहा है 200 रुपीज का, 200 रुपीज की हमें एक ऑनलाइन पेमेंट करनी है, चाहे आप UPI से फोन पे से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। 200 रुपए की अमाउंट की पेमेंट कर देनी है आपको। यहाँ पर आप SBI Pay सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है आप कैप्चा कोड जो है वो इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है आपको सामने इसकी तरफ। ये आप देख सकते हैं कैप्चा कोड सेम टू सेम इस बॉक्स में फिल कर देना है। अगर समझ में ना आए तो ग्रीन कलर का जो सर्कल है उस पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं कैप्चा कोड को। और नीचे लास्ट फोन नंबर दिखा रहा है लास्ट डिजिट, उस पर OTP जाएगा, तो पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको इस वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज जो है वो ब्राउज होएगा और आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जो है 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के तरफ डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, इंटरनेट, भीम UPI। तो आप, मैं जो है भीम UPI से पेमेंट कर ले रहा हूँ। आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली आपका UPI ID डाल देना है और UPI ID डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपके सामने टाइमिंग आने लगेगा और आपके जो UPI जो फोन पे जो भी आपका UPI सॉफ्टवेयर होगा उसमें जाएंगे आप, वहां पर जो है पे नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप वहां पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का स्क्रीनशॉट आएगा आपके सामने, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे और अपना जो भी बैंक सेलेक्ट करके पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने का आपके सामने इस तरीके का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर यहां पर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं क्लिक हेयर हो प्रिंट रिसिप्ट, तो आपको जो है अब प्रिंट रिसिप्ट क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इस पे टिक कर देना है। ये जो आप कैप्चा कोड देख रहे हैं कैप्चा कोड को इस वाले नीचे बॉक्स में फिल करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। तो हम फटाफट से कैप्चा कोड फिल कर दे रहे हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देना। जैसे हम प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे 200 रुपीज की जो फीस पेमेंट हुई है इस पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा प्रिंट आउट मिल जाएगा हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं You are not required टू सीक अपॉइंटमेंट और विजिट ऑफिस फॉर द सर्विस अप्लाइड इन केस देर इज नो डिफेंसी यू विल गेट DL थ्रू स्पीड पोस्ट, यानी कि अगर फॉर्म में कोई भी कमी नहीं आएगी तो डायरेक्ट आपके स्पीड पोस्ट के द्वारा घर पे ही आ जाएगी, आपको RTO ऑफिस नहीं जाना है इसके लिए। फीस इज नॉन रिफंडेबल और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यहाँ नीचे डिक्लेरेशन है फीस इज नॉन रिफंडेबल और यू विल, यहाँ पर जो है एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो गए, कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना पड़ेगा दोबारा से कैलेंडर की हेल्प से और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है, एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो वेरिफिकेशन अंडर वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके से आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट फॉर्म आपका पीएसपी बैच का। तो दोस्तों देखा आपने हमने कैसे रिफ्रेशर कोर्स, एक आईडी प्रूफ और एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर जो डॉक्टर का नंबर होता है वो बिल्कुल साफ रखा होना चाहिए, वही हमें कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर डालना भी होता है जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कम्प्लीट प्रोसेस। इसके अंदर आपकी जो है फीस भी ऑनलाइन 200 रुपए की अभी कटी, और पहले आपकी 472 रुपए की फीस कटी थी। क्लास के लिए टोटल 672 रुपए वो हो गया और मेडिकल का खर्च हो गया। तो इतने ही खर्चे के अंदर आपका जो है पीएसपी बैच बन जाता है। दोस्तों फॉर्म भरने का तो आपने देखा यहाँ पर फेसलेस सर्विस है, यानी कि इसके लिए आपको दोबारा आरटीओ ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके घर पे पीएसपी बैच बनकर आ जाएगा। और दोस्तों बीच बीच में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस किस तरीके से चेक करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोबारा से परिवहन की वेबसाइट खोल लेनी है आपको, parivahan.gov.in। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आपको माउस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। तो राज्य को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इसे क्लोज कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर काफी सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर आरटीओ सर्विस नहीं जाना होता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें स्टार्टिंग में ही हमें एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, और डेट ऑफ बर्थ आप उस एप्लीकेशन फॉर्म पे भी देख सकते हैं एमकॉम वाले पे, और अपने आईडी प्रूफ में भी देख सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस में भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड से फिल करके सबमिट कर देना है। तो चलिए हम देख सकते हैं एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो वेरिफिकेशन अंडर वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके से आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस पीएसपी बैच बनाने का। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड अगर कोई कंफ्यूजन आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।